अरहम नमः। यह संस्मरण कोटा का है, जब मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज श्री का प्रवेश कोटा में हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद ही महावीर जयंती आई। महावीर जयंती का महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। उसमें करीब 4 से 5 हजार लोग सम्मिलित थे। उसके बाद मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज श्री ने कोटा के एलन इंस्टीट्यूट में बच्चों को अरम ध्यान योग कराया और उनको मोटिवेट किया। मुनि श्री द्वारा सिखाए जा रहे अरम ध्यान योग का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है बल्कि मानसिक शांति का विकास होना भी है। मुनि श्री हमेशा कहते हैं कि अगर हमारा मन शांत एवं मजबूत होगा तो अवश्य ही हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। हमें हर परिस्थिति में अपने मन को कैसे शांत रखना है और अपने आप को कैसे खुश रखना है, ऐसा ही मोटिवेशन देने मुनि श्री कोटा के एलन इंस्टीट्यूट में पहुँचे। वहाँ पर करीब 1500 से अधिक विद्यार्थी होंगे। मुनि श्री ने वहाँ बैठे सभी विद्यार्थियों को अपनी वाणी से मोटिवेट करा, उनके स्ट्रेस को कम करा, उनकी टेंशन्स को कम करा और उनके डर को दूर करा। मुनि श्री ने सभी विद्यार्थियों को समझाया कि हम कैसे अपनी टेंशन्स को, अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में आकर हम अपनी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। मुनि श्री ने कहा, जीवन में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और इसी जज्बे के कारण हम दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा और करके दिखाऊंगा। उसके बाद जब मुनि श्री ने सभी को अरम ध्यान योग कराया तो पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी पूरे ऑडिटोरियम में गूंजने लगी। वहाँ बैठे सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर प्रसन्नता और शांति झलक रही थी। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों ने मुनि श्री के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं भी रखी। उनमें से एक विद्यार्थी ने पूछा, सर जब भी मैं नॉलेज के बारे में सोचता हूँ तो मैं यहाँ आया हूँ मेडिकल एग्जाम देने के लिए, बट मुझे डॉक्टर बनूं ना बनूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए। तो कभी मुझसे पूछा था किसी ने, आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? मैं कहता हूँ मैं दशानन से इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं दशानन बनना चाहता हूँ, रावण नहीं बनना चाहता। मतलब सर दशानन एजुकेशन का रूप है, उससे एजुकेटेड पर्सन मेरी नजर में कोई नहीं है। बट सब लोग मुझे कहते हैं तुम नेगेटिव कैरेक्टर से क्यों इंस्पिरेशन ले रहे हो, तुम अपने अंदर नेगेटिविटी क्यों डेवलप कर रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ वास्तव में ये नेगेटिविटी है या नहीं है? नहीं, इसका नाम नेगेटिविटी नहीं है। अगर अपन किसी भी पर्सन से कुछ सीख रहे हैं तो वो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी है जो उस नेगेटिव पर्सनालिटी से भी हमें कुछ पॉजिटिविटी सिखाने को मजबूर है। ऐसे ही अनेक तरह के मोटिवेशन मुनि श्री ने कई स्कूल्स, कॉलेजेस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चों को दिए हैं, जिसके कारण से आज सभी विद्यार्थी मन लगाकर अध्ययन करते हुए अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र।